हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ओलंजापिन टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मानसिक रोग जैसे कि नींद आना जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए एक बहुत ही अच्छी टैबलेट है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है, क्या इसकी इंट्रेक्शन है और क्या इसकी डोज है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओलंजापिन टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। ओलिंज टैबलेट के बारे में बात करें तो ओलिंज एक पॉप ब्रांड नेम है, जबकि ओलंजापिन इसका कंपोजिशन है, यानी कि जो इसमें साल्ट डाला गया है वो ओलंजापिन है। ओलिंज टैबलेट के बारे में बात करें तो सन फार्मा इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो ओलंजापिन इसमें कंपोजिशन दिया होता है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो यह हमें 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg और 20 mg स्ट्रेंथ में मिल जाती है। अब हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं, यह काम कैसे करता है। यह एक एंटीसाइटिक दवा है जो कि मस्तिष्क के केमिकल पर असर करके अपना काम करती है। यह एक एंटीसाइटिक दवा है, इसलिए इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। अब मैं आपको इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बता देता हूँ। अगर आपको ओलिंज नाम से टैबलेट ना मिले तो आप इन नाम से भी इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात करें तो ओलनसर टैबलेट, ओजेस टैबलेट, ओली टैबलेट, ओलजिक टैबलेट, मोवापिन टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है, सिर्फ कंपनी और MRPs का फर्क है। इनमें से जो आपको रेट के हिसाब से ठीक लगे आप वो खरीद सकते हैं। अब हम इस टैबलेट के यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं, किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यूजेज के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एंटीसाइटिक मेडिसिन है, तो इसका उपयोग मानसिक विकार को ठीक करने के लिए किया जाता है। बात करें तो बाइलोपर डिसऑर्डर में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बाइलोपर डिसऑर्डर क्या होता है? यह एक प्रकार का मानसिक विकार है। इसमें व्यक्ति को दोहरी बीमारी हो जाती है, मतलब कि कई बार वह डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो कई बार वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो बाइलोपर डिसऑर्डर के इलाज में डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो सिज़ोफ्रेनिया में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। सिज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करें तो यह दिमाग का एक गंभीर विकार है जो व्यक्ति को सोचने, काम करने, भावनाओं को व्यक्त करने, वास्तविकता अपनाने और दूसरों से संबंध रखने की क्षमता को कम करता है। इस बीमारी में व्यक्ति कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो हेलुसिनेशंस, डिल्यूशंस, जिसे हम हिंदी में मति भ्रम और भ्रम कहते हैं, ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को अक्सर काम, स्कूल, समाज और रिश्तों में समस्याएं आती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति लोगों को डरा हुआ महसूस हो सकता है। तो सिज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए डॉक्टर के द्वारा ओलंजापिन टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो हकलाने में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति अपने शुरुआती शब्दों को बार बार बोलता रहता है, उसको कई बातें बोलने में परेशानी होती है और कई बार तो उसको शर्मिंदा भी होना पड़ता है। तो हकलाने की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ओलंजापिन टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो टावरिटी नाम की बीमारी है, उसमें भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यह बीमारी व्यक्ति को बचपन से ही दिखने लगती है। इसमें व्यक्ति बार बार पलखे झपकाना, खांसी लेना, हिचकी आना, गला साफ करने की कोशिश करना, यह जब व्यक्ति ज़्यादा करने लगता है तो यह एक बीमारी का रूप ले लेती है। तो टुराटे नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ओलंजापिन टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग इंसोम्निया में भी किया जाता है, यानी कि नींद न आने की समस्या में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, कई बार लोगों को नींद बहुत मुश्किल से आती है और कई बार तो व्यक्ति नींद लेते समय बीच में उठ जाता है और उसके बाद में नींद भी नहीं आती है। तो उस समय नींद को लाने के लिए डॉक्टर के द्वारा ओलंजापिन टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट के कुछ यूजेस थे। हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम यूजेज जानने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब पेशेंट इस टैबलेट को यूज करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उन्हें देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो उल्टी का होना, दस्त का होना, बेचैनी होना, ब्लड शुगर का बढ़ जाना, पाचन क्षमता में कमी आना, थकान होना, मुँह का सूखना, वजन का बढ़ जाना व चक्कर आना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं
जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी इंट्रैक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ इस टैबलेट का प्रयोग ना करें? एल्कोहल, एरियोमिप्राजोल, बेंजोडाइजोपिन्स, कर्बामेज़ेपिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, डिल्टियाजैम, आइथरडाइजिपाम, एरिथ्रोमाइसिन, फ्लोक्सामाइन, रिफामपिन, ये कुछ मेडिसिन हैं। इनके साथ आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने यूज़ किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिले या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है? जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेडिसिन डोज हमें सही पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करके दी जाती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। अडल्ट्स में बात करें तो 5 mg की टैबलेट दिन में एक बार शाम को सोने से पहले लेने की सलाह दी जाती है। यह मरीज को लंबे समय तक लेनी होती है, जैसे कि 6 महीने या 1 साल तक इस टैबलेट को लेना होता है। और जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने आपको बताया है और जितने समय तक आपके डॉक्टर ने बताया है उतने ही समय तक आपने इस टैबलेट का प्रयोग करना है। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को हृदय, लीवर या गुर्दे से जुड़ी कोई बीमारी है तो उसको इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है या ब्रेस्ट फीडिंग महिला है तो उसको इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बात करें तो इस टैबलेट को लेने के बाद आपने ड्राइविंग भी नहीं करनी है और ना ही किसी भारी मशीनरी पर काम करना है, क्योंकि इस टैबलेट को लेने के बाद आपको चक्कर या नींद महसूस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी ओलंजापिन टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।